दिशा में चलो। फिर से उपस्थित हैं आपके सामने हूँ आलोक चैनल पर। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बगल में एक छोटी सी घंटी बनी हुई उस पर भी क्लिक कर दीजिए। हमारे वीडियोज आएंगे और आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अब तो बहुत सारे विषयों पर हम आपको बता चुके हैं, बहुत सारे विषय समाहित हो चुके हैं, आपके सर दर्द, मोटापा, शराब छुड़ाने, बहुत सारे विषय। अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, मतलब हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास अब है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट्स के लिए आपका स्वागत है, सुझाव और शिकायत तो सभी के लिए आपका स्वागत है। बहुत अच्छी तरह से आप हमें लाइक कर रहे हैं उसके लिए आपका स्वागत है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके लाभ के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। फोन नंबर हम इसीलिए नहीं देते क्योंकि फोन नंबर देना व्यवहारिक नहीं। आप फोन नंबर देंगे, आप आज 13,000 के करीब होने जा रहे हैं। यदि हर व्यक्ति से, चलिए हर व्यक्ति से नहीं, आपके केवल 10% से दिन में 2-2 मिनट सबसे बात करी तो आप अंदाज लगा लीजिए कितनी देर बात हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी, लेकिन हाँ हम आपको जो बता रहे हैं उस पर अमल करिए और अपने गुरु को ध्यान में रखिए, अपने इष्ट देव को लेकर चलिए आप अवश्य। मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुछ ग्रह अगर बिगड़े हुए हैं, अशांत हैं, तो उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें लाभ की स्थिति में वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप अपने ज्योतिषी पंडित या जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप पता कर लीजिए आपका कौन सा ग्रह खराब है। मुख्य रूप से 4 ग्रह ही ज्यादा परेशान करते हैं। बताऊंगा आपको 5-6 ग्रह के बारे में। ये 2 श्रृंखलाओं की हमारे वीडियोज हैं जिनमें आपको मिलेंगे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। ये मैं आपको एक साथ बताता हूँ कि यदि ये बिगड़े हुए हैं तो आप क्या करें और इन्हें किस तरीके से शांत किया जाए। सबसे पहले सूर्य, रविवार के दिन, कोई सा भी रविवार आप चुन सकते हैं जो आप चाहें, जिस दिन आपको सुविधा लगे। गुलाबी रंग के धागे में बिल्व वृक्ष, ये सब आपको सामने कैप्शन में या नीचे विवरण में लिखा मिल जाएगा। इसलिए पहले आप पूरा वीडियो देखें, नीचे लिखा विवरण पूरा पढ़ें, फिर भी यदि समझ में ना आए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे अवश्य। बिल्व वृक्ष की जड़ और पत्ते का मूल भाग मतलब डंठल, इन दोनों को गुलाबी रंग के धागे में बांध के गले में धारण कीजिए, आपको सूर्य के प्रकोप से शांति मिलेगी। अब बिल्व वृक्ष, आप में से बहुत लोग पूछ सकते हैं बिल्व वृक्ष क्या है, चलिए बताते हैं आपको। बेल का पेड़, शुद्ध हिंदी का शब्द है बिल। चलिए अब चंदा मामा की बात करते हैं, यानी चंद्र, चंद्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए। सोमवार के दिन जाकर सरनी के वृक्ष की जड़ को ले आए। इसके लिए तरीका यह है कि आप रविवार की शाम को जाएं, उस जड़ के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठे। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी आपको किस तरीके से जड़ को आमंत्रित किया जाता है, तो उस जड़ को आमंत्रित करें, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा या कल मैं तुम्हें लेने आऊंगी, और फिर सोमवार को जाके सिरनी के वृक्ष की जड़ को ले आए और फिर उसकी पूजा आदि करके उसे सफेद ऊनी धागे से अपने भुजा में, दाई या बाई ये आप चुन सकते हैं, और कंठ में धारण कर लें, आपको चंद्र के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो जो चीजें हम बताते नहीं वो आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, हम आपको बहुत बार बता भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जड़ को भुजा में धारण करें, तो आप भुजा बताई नहीं, दाई नहीं बताई, बाई नहीं बताई, फिर आपकी इच्छा है। यदि कोई विशेष ऐसी सामग्री होगी या कोई विशेष प्रयोजन होगा तो हम आपको बता देंगे, नहीं बताया कोई दिन मास समय को नहीं बताया तो आप अपनी इच्छा से चुन सकते। बाकी हमने वीडियोस बनाए जिसमें बताया कब ये करना अच्छा रहता है, उन्हें आप देखें, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अब बात करते हैं मित्रों मंगल की शांति। अनंत मूल की जड़ ले आइए, किसी भी दिन जाके एक दिन पहले जाके उसे निमंत्रित कराइए, अगले दिन जाके उसे ले आइए और उस जड़ को लाल वस्त्र या सोने में धारण करें तावीज की तरह, तो ये आपके मंगल को शांत करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है, इससे मंगल की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। इस वीडियो का अंतिम ग्रह है बुध। बुध के प्रकोप से कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए बुधवार के ही दिन विधायरा की जड़ को लाकर चांदी के ताबीज में रखकर गले में धारण कीजिए। इसे एक और तरीका है, इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। हरे रंग के धागे से दाहिनी भुजा में बांध तो बड़ा उत्तम फल मिलता है, बुध अनुकूल हो जाता है, तो मानसिक विचारों को बड़ी शक्ति प्रदान करता है। तो ये था मित्रों इन 4 ग्रहों की शांति का तरीका। इसी प्रकार से हम आपको और बताते रहेंगे।
अभी तो तीन ग्रह बचे हैं, बृहस्पति शुक्र शनि बचे हैं, उनके भी उपाय मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हमेशा स्वागत है हमारे चैनल पर नए नए विषयों के साथ, नई नई सामग्री के साथ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।